आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, Q एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड QR माइनस PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि आपको ये देखना है ये कैसा है। तो PQ PR इसके अंदर मतलब Q इज मिसिंग, दैट मीन्स ये टाइप 2 है, दिस इज अवर टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 नीचे, टाइप 1 ऊपर, टाइप 2 नीचे, तो टाइप 2 हमारा कैसा होगा, नीचे की तरफ। अब इसको कैसे बनाना है, सेम है इसमें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक QR 6 सेंटीमीटर का रे बनाएंगे। पॉइंट इज Q, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर का कंपास के ऊपर मेजरमेंट लेंगे एंड वी विल कट वन आर्क हियर, दिस इज अवर आर, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक रे और बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर Q पे रखे कोई भी मेजरमेंट कंपास पे लेंगे एंड यू विल मेक वन सेमी सर्कल। ठीक है, दिस पॉइंट इज अवर ए एंड बी। अब ए और बी दो पॉइंट आ गए, अब बी के ऊपर रखे सेम मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हमारा यहां पर था, ठीक है, सेम मेजरमेंट रख के आप एक क्रॉस मार्क बनाएंगे यहां पर। ठीक है, अब इस क्रॉस मार्क से एक रे बनाएंगे आप। दिस रे इज आवर 60 डिग्रीज, दिस रे इज आवर 60 डिग्रीज। अब आपका 60 डिग्रीज भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस डायरेक्शन जो रे आपका 60 डिग्रीज है, टाइप 1 में हमने जो वैल्यू दे रखी थी इसी डायरेक्शन में कट किया था, लेकिन टाइप 2 में यू हैव टू कट इन अदर डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रे और बनानी है। ठीक है, अब क्या करना है, कंपास के ऊपर दिस 2 सेंटीमीटर लेना है और आपको एक कट मार्क बनाना है। तो यहां से यहां तक हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आप जो कट मार्क आया इसको आप नेम कर दो इस सी, इज अवर सी। ठीक है, तो अब सी एंड आर को ज्वाइन करेंगे, सी एंड आर को ज्वाइन करेंगे। ठीक, सी एंड आर को ज्वाइन कर दिया हमने, अब हमारा न्यू लाइन इज सी आर। अब हम क्या करेंगे, सेम टाइप 1 में जो किया था इस नई लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। इफ यू बाइसेक्ट तो आपका सी और आर से 2 आर्क आएगा, एक ऐसे एक ऐसे, और इधर भी आपका सेम। एंड आपको क्या करना है, ये दोनों को बाइसेक्ट करके इस लाइन को एक्सटेंड करना है यहां तक। तो ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज आवर पी, पी पॉइंट है ना, क्यू आर पी, तभी तो ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये आ गया, तो अब हम यहां से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे एंड इट विल मीट एट पॉइंट आर।
it will meet at point R. ठीक है, तो हमारा desired triangle कौन सा है? P, Q and R. P, Q and R is our triangle. ठीक है, हम लोग बना लेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब हम जिसको justify करते हैं, justify करने के लिए आपको क्या करना है कि PC माइनस PQ. PC माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब यहां पर दे रखा है PR. दैट मींस PC को PR के इक्वल करना है. तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, आप देखोगे ब्लैक कलर में दो ट्रायंगल्स हैं. ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. तो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, पहला है पी सी एंड इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ. पी सी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ. ठीक है, अब ये हमारा लाइन बाइसेक्टर है. पी ओ इज अ बाइसेक्टर, याद रखना है हमको, बाइसेक्टर है एंड कॉमन भी है. एट द सेम टाइम अगर ये बाइसेक्टर है दैट मींस दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन. दैट मींस सी ओ इज इक्वल टू ओ आर. ठीक है, अगर PO bisector है that means this angle is equal to this angle. That means CPO, angle CPO is equal to angle OPR. OPR. तो ये दोनों angles हमारे equal हो गए. तो अब क्या हो गया हमारा, by SAS congruence rule से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. ट्रायंगल पी सी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी आर ओ. देयरफॉर हमने क्या किया, अब पी सी इज इक्वल टू पी आर. पी सी इज इक्वल टू पी आर कैसे कर दिया, विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी. अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी पीसी लिखा है वहां पर हम लिखेंगे पीआर. तो हमारा हो जाएगा पीआर माइनस पीक्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, है ना, हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया.